नमस्कार, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी घटना दर्ज हुई है सियासी हलकों में, मैं समझता हूं कि इस शनिवार जो घटना दर्ज हुई है इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत पर बल्कि पूरे देश की सियासत पर। और चुनाव जब बिल्कुल धमक रहे हैं, जब चुनाव के लिए सियासी दलों में कदम ताल शुरू हो चुका है, ऐसे दौर में आज के समय में इस अलायंस का एक बड़ा मतलब है जो समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर किया है। लंबे समय से एक दूसरे की दुश्मन रही दोनों पार्टियों ने पिछले दिनों गोरखपुर कासगंज जैसे जो लोकसभा के चुनाव थे और कुछ राज्यसभा जो कुछ विधानसभा चुनाव थे, उपचुनाव, उन चुनाव में इस तरह का गठबंधन किया था और उसको एक तरह से आगे बढ़ाया गया है इस बार, जब उन्होंने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 38-38 सीटों पर लड़ेंगी। देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आती हैं और वो 80 हैं। 80 में इस बार 38-38 सीटों पर ये दो पार्टियां लड़ेंगी, अमेठी और रायबरेली। ये दो सीटें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए छोड़ी हैं। जो अन्य पार्टियां, खासकर जो बीजेपी की मुखालफत करती हैं, जो बीजेपी के राजनीति से, बीजेपी के तौर तरीकों से नाराज हैं, उनके लिए ज़्यादा सीटें इस अलायंस में अभी नहीं छोड़ी गई हैं। सिर्फ दो सीट उन्होंने छोड़ी है और डिक्लेयर नहीं किया है कि ये किसके लिए छोड़ी है, लेकिन मतलब लगाया जा रहा है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर रखने वाली आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ी है, जो अजीत सिंह की पार्टी है। लेकिन अजीत सिंह की पार्टी 4 सीटें कम से कम चाहती है, ऐसा बताया जाता है। कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूर्वांचल में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बीजेपी को चुनौती देने में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समर्थन का पहले ही ऐलान कर दिया है। इसमें पीस पार्टी है, इसमें निषाद पार्टी है, इसमें और भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इनके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी गई है। आज के दौर में जब सिर्फ राजनीतिक गठबंधनों नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधनों की तरफ भी चली जा रही है, उसका भी एक महत्व है। मुझे लगता है कि इस अलायंस को अगर हम एक बड़ी पहल माने, एक महत्वपूर्ण कदम माने, क्योंकि 1993 में जब इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया था, इनकी सरकार बनी थी, लेकिन यकीन मानिए उस वक्त भी इतनी आसानी से सरकार नहीं बनी थी। अगर आंकड़ों पर नजर आप डालें तो 1993 के चुनाव में सपा बसपा, जब दोनों पार्टियों के पास वैचारिकी भी कुछ थी थोड़ी बहुत, उस समय कांशीराम जीवित थे, उस समय मुलायम सिंह भी, आज के मुलायम सिंह जी नहीं थे जो अंबानी जैसे उद्योगपतियों के काफी समर्थक हुए और अमर सिंह जिनके एक सहयोगी बनकर उभरे, ये वो दौर नहीं था। उस समय अभी थोड़ा बहुत उनका समाजवादी जो आचरण था, उनकी जो समाजवादी राजनीति थी, वो थोड़ी सी चमकदार दिखाई देती थी और कांशीराम तो अपने उफान पर थे। उस दौर में अलायंस हुआ, वैचारिक अलायंस के बावजूद जो दोनों पार्टियों की स्थिति थी, अपने बल पर सरकार नहीं बना सकते थे 93 में, और कांग्रेस ने, दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टी थी खासकर जनता दल ने इनको सपोर्ट किया, तब जाकर इन्होंने वहां पर गठबंधन की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में 177 सीटें तब बीजेपी ने अपने बल पर जीती थी और ये वो दौर था जब मस्जिद को अयोध्या में ध्वस्त कर दिया गया था और पूरे देश में सांप्रदायिकता को एक एजेंडा बनाकर, विचारधारा बनाकर चुनाव बीजेपी लड़ रही थी और उत्तर प्रदेश को जीतने के मकसद से उसने इस तरह का एक कदम बढ़ाया था। मुझे लगता है कि सबक लेना चाहिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को इसके बावजूद कि उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है, कि जब उनका अलायंस टूट गया था, खासकर लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड में, जिसमें समाजवादी पार्टी के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रेरित जो लंपट थे, जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने मायावती जी के साथ वाकई अशोभनीय दुर्व्यवहार किया था और जिसका नतीजा था कि ये सरकार गिर गई और अंत में अलायंस का कोई नाम लेवा नहीं रहा। मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों को जब अपनी पुरानी शत्रुता को,
पुरानी जो एक दूरी थी उसको मिटाकर नए सिरे से गठबंधन का कदम बढ़ाया है, तो इनको अपने राजनीतिक गठबंधन को ज़्यादा अगर वैचारिक न बना सकें तो कम से कम सामाजिक राजनीतिक स्तर पर इसको फैलाना चाहिए, ये आज की ज़रूरत है। मायावती जी ने बड़ी दिलचस्प बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनका वक्तव्य था वो अखिलेश यादव के मुकाबले ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा पॉलिटिकल था। उन्होंने अटैक किया बीजेपी पर जमकर, उन्होंने कांग्रेस पर भी अटैक किया, और मजे की बात है कि अखिलेश जी के चचा शिवपाल यादव पर भी अटैक किया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी बहुत पैसा खर्च कर रही है शिवपाल जी पर, लेकिन हम इसको सफल नहीं होने देंगे, बीजेपी की इस टैक्टिस को। उन्होंने बीजेपी को घोर जातिवादी, घोर सांप्रदायिक पार्टी कहा, रफाल का नाम लिया मायावती जी के मुंह से और अखिलेश जी के मुंह से। उन्होंने तो खैर नहीं कहा, लेकिन जब एक मंच से दोनों ने कहा तो माना जाएगा कि इस मंच से पहली बार रफाल का नाम लिया गया। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफ ही कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी संकीर्ण द्वेषपूर्ण सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब मजदूर किसान व्यापारी वे अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ खासकर दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी व चिंतित ही नजर आते हैं। लेकिन रफाल को राष्ट्रीय मुद्दा जिस व्यक्ति ने बनाया, जिस पार्टी ने बनाया, उसको उन्होंने बिल्कुल टच ही नहीं किया कि वो भी अलायंस के काबिल है, उसके साथ भी किसी तरह की एकजुटता चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप बेशक कांग्रेस की नीतियों को खारिज कीजिए, और खारिज करना चाहिए एक अपोजिशन पार्टी को जो कांग्रेस से भी दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी इस देश के संविधान के लिए आपको खतरा नजर आ रही है, इस देश के सेकुलर डेमोक्रेटिक जो संरचना है उसके लिए खतरा नजर आ रही है, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में आप सभी जो इस तरह की पार्टियां हैं जो उनकी मुखालफत कर रही हैं उनसे बीजेपी के बराबर दूरी बनाने की बात सोचना मुझे लगता है कि यह राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस को आज की तारीख में बिल्कुल बराबर देखना मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के लिए एक समस्या पैदा कर सकती है उत्तर प्रदेश के मैदान में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरी बात जो मैं अपने दर्शकों अपने श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल चलते चलते कि देखिए कांग्रेस पार्टी भी अलायंस के बारे में बहुत बिग ब्रदरली एटीट्यूड एक दिखाती है, अपने आप को सबसे बड़ा पार्टनर सबसे बड़ी ताकत इस रूप में दिखाती है। यही कारण है कि असम में उसकी धज्जियां उड़ गईं, यही कारण है कि कर्नाटक में उसकी सरकार थी लेकिन फिर भी वो जीत नहीं सकी अपने बल पर, यही कारण है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश में वो अपने बल पर बहुमत नहीं पा सकी, लेकिन जहां जहां उसने पॉलिटिकल सोशल अलायंसेज का सहारा लिया जो बीजेपी हाल के वर्षों में करती रही है, बीजेपी जिसकी पूरी विचारधारा अलायंस के काबिल नहीं है दूसरे दलों से, लेकिन वो दूसरे दलों को पटाकर दूसरे सामाजिक समूहों को पटाकर और इस तरह से अलायंसेज करके सफलता पाती रही है। मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब सपा और बसपा के नेताओं को उत्तर प्रदेश के मैदान में ये जरूर सोचना चाहिए। एक तरह से बिहार का जो एक्सपेरिमेंट है उत्तर प्रदेश से बेहतर नजर आता है। इन शब्दों के साथ आज की इस चर्चा का मैं समापन करता हूं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि शनिवार के दिन जो फैसला सपा बसपा ने किया है वो बीजेपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने वाले दलों के लिए एक प्रेरक शक्ति एक प्रेरक घटनाक्रम है, और ये एक मैं समझता हूँ 2019 के लिए महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार।